अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ एहसन अली। आज की हमारी किड फिटनेस क्लास का नेक्स्ट लेसन है। लास्ट लेसन में हमने आपको बेसिक किक्स के बारे में बताया था, उससे पीछे पंचेज, और फिर हमने आपको सिंपल आपकी एक्सरसाइज के बारे में बताया था। आप इस क्लास से पहले आप सिंपल एक्सरसाइज करें, क्योंकि बॉडी का वार्म अप होना ज़रूरी है। जब बॉडी का वार्म अप होगा उसके बाद आप बेसिक किक्स करें, जो कि आपने डेली करनी है, उसके बाद आप ये किक्स करें। आज हम लोग आपको प्रो किक्स के बारे में बताएंगे, जो कि आप मोस्टली फाइट में या सेल्फ डिफेंस में, स्ट्रीट फाइट में यूज़ करते हैं प्रो किक्स, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। छिरियत, जुम्बी, इसके बाद फाइटिंग सेंस, उल्टा पाँव पीछे, ऐसे। पहली किक हम लोग करेंगे मिडल किक, जो कि मोस्टली फाइट में यूज़ होती है, जो आपकी ताइक्वांडो की फाइट होती है या स्ट्रीट फाइट में। किक कैसे करेंगे, ये आपको फाइटिंग सेंस से, किक हमेशा पिछली वाली टांग से होती है, ठीक है। आपका जितना भी वजन होगा ना, आप अपनी इस टांग पर डालेंगे। अगर मैं इस टांग पर वजन डालूंगा तो ये देखिए मेरी किक ही नहीं उठेगी, और किक उठाऊंगा भी तो मैं गिर जाऊंगा। मैंने अपना सारा जोर डालने अपनी आगे वाली टांग पे, ठीक है। जब आगे जोर होगा ये टांग फ्री होगी, ये इजीली किक के लिए निकलेगी, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी टांग ऐसे ऊपर लानी है, ये नीचे वाला मेरा पाँव देखें, इसको ऐसे मूव करना है ये, और आगे से किक ऐसे मारनी है ये। और आप याद रहे, आपने अपनी बॉडी के सामने मारनी है, साइड पर नहीं मारनी, ठीक है। ये किक उठाई, ये ऐसे ऐसे साइड पर नहीं मारनी, ये बिल्कुल सामने मारनी, ठीक है। रेडी, जब भी आप फाइटिंग स्टेंस ना हो इसको बाहर ना निकालो, इसको ऐसे अंदर रखा करो। 1 2 छः, आप एक टांग से करो चेंज। 1 2 छः, दूसरी टांग से करो चेंज। अब हम लोग करेंगे इनर स्टेप, ये मिडल किक होगी इनर स्टेप। सेम यही चीज़ है, जो मिडल किक होती है वो आपकी बेल्ट के बराबर होती है, जो इन स्टेप होती है वो आपके फेस के बराबर, ठीक है। जो मिडल किक होती है ऐसे, अब हम लोग करेंगे इन स्टेप, सेम ये चीज़। किक उठाएंगे ऐसे, इस सामने उठाई, नीचे वाला मैंने पाँव को देखें ऐसे मूव किया ये, और यहाँ से आगे फेस पे मार रही है। अब स्पीड से आपको करके बताता हूँ, ये ऐसे। 1 2 जब भी आप किक मारें हमेशा अपनी किक को देखा करें, सर नीचे कर कैसे किक मारेंगे आपको नहीं पता, आप सही किक मारें या गलत मारें। 2 चेंज, 1 2 छः एक टांग से करें, 6 दूसरी टांग से। ये होगी हमारी दूसरी किक इन स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट किक है बैक किक। जैसा कि नाम से जाहिर है, बैक किक, ठीक है। अब जैसे मेरे पाँव की आप डायरेक्शन देखें, यह आगे की तरफ है, इसको मूव करके हम इस तरफ करेंगे। अब ये मेरा अगला पाँव है, ये पिछला पाँव है, जब हम चेंज करेंगे मेरा अगला पाँव पिछला बन जाएगा और पिछला पाँव अगला बन जाएगा। अब मैंने अगले पाँव से किक करनी है, यहाँ से किक फोल्ड करनी है ये, और यहाँ से किक ऐसे सीधे खोलनी है ये, ठीक है। अब मैं आपको इस तरफ टर्न करके बताता हूँ, देखें ये जैसे ही अब मैं इस तरफ मूव करूँगा, ये मैं किक यहाँ ऐसे फोल्ड करूँगा, मेरा पाँव देखें ऐसे फोल्ड करूँगा, और किक ऐसे हिट करूँगा, मैं अपने शोल्डर से देखूँगा, ठीक है। शोल्डर से देख के ऐसे किक करना। शोल्डर से देखने का क्या फ़ायदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं साइड से देख के किक करता हूँ, मेरी किक ऐसे साइड पर लगेगी, ठीक है। आपने अपने शोल्डर से देखने, आप ये मूव किया, ये जमा किया, शोल्डर से देखा, ये किक स्ट्रेट मारी, ये बंद करके ये ले। अब मैं आपको ये किक स्पीड से करके बताता हूँ, ये खड़े ऐसे ऐसे बोलते हैं बैक किक। 1 2 चेंज, 6 एक टांग से करें आप, 6 दूसरी टांग से। फिर आपको मैं साइड से करके बताता हूँ, ये आपका पाँव की डायरेक्शन आगे, इसको मूव करके पीछे करें, चेंज करके बताता हूँ, ये इस तरह आ जाएगी। इसको ऐसे जमा करें, ये इसको ऐसे साइड से निकालें, ये आ गई आपकी बैक किक, जो कि फाइट में सबसे बेहतरीन होती है, सबसे पावरफुल किक लगती है, ठीक है। ये आ गई बैक किक। इसके बाद आ जाती है रिवर्स किक, जो कि हमारी इस सेशन की लास्ट किक है, रिवर्स किक, जो कि ज़्यादातर फाइट में यूज़ होती है, रिवर्स किक। अब देखें, ये किक आप बैक किक की तरह निकालेंगे, बैक किक की तरह, ये किक ऐसे फोल्ड करेंगे, ये बैक किक की तरह निकाला, बैक किक हम यहीं से वापस लेके आ जाते हैं, ऐसे बंद करते हैं, इसमें आपने ऐसे किक निकालनी है और ऐसे राउंड लेके वापस लेने आनी है, रिवर्स किक, ठीक है। एक दफ़ा स्पीड से करके मैं आपको बताता हूँ, रिवर्स किक। फिर देखें आप स्लो में, ये बैक किक की तरह ये हमने फोल्ड किया, ये किक बाय निकालना है और इसके साथ ही राउंड करना है ऐसे, ये आ जाएगी हमारी रिवर्स किक। आपको आती है? 1 रिवर्स, आप ये बैक किक कर रहे हो, रिवर्स किक, शाबाश।
जाओ जाओ, शाबाश, अब ये स्पीड से मारो। बस देखें, आपने रिवर्स किक में एड़ी नहीं मारनी, ठीक है, एड़ी अपने पाँव को, मेरे पाँव को देखें, पाँव को ऐसे करने, पाँव को ऐसे करने। अब स्पीड से मैं करके बताता हूँ, ये फिर जाती हैं, ये छः एक टांग से करें, छः दूसरी टांग से करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये जो आपको ट्रिक्स बताई हैं इसको बार बार देखें, आपको समझ आ जाएगी। आप इसमें मिडल किक हमने आपको सिखाई है, इनर स्टेप सिखाई है, बैक किक और रिवर्स किक, ये प्रो किक्स हैं, ज़्यादातर फाइट में यूज़ होती है, सेल्फ डिफेंस में। आप इनकी प्रैक्टिस करें तो आपको जो बेसिक ताइक्वांडो है वो आ जाएगा। आपको हमने किक्स भी बता दिए, पंचेज भी बता दिए और स्पेशली आपको वार्म अप बता दिए। आप करें, आपको ये बेसिक आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेल्फ डिफेंस के हवाले से बताएंगे कि आप सेल्फ डिफेंस बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद करिएगा, अल्लाह हाफिज़।